जौनपुर के बदलापुर क्षेत्र में एक पिता ने अपने ही पुत्र के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पूरा लाल निवासी शिवपूजन मौर्य पुत्र ललित मौर्य के खिलाफ थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि वह लोगों से पैसा लेकर वापस नहीं करता और लोग उन्हें आकर परेशान करते हैं। लड़का हमारा दिमाग से कमजोर है, जिसके कारण लोग उसे ब्याज पर पैसे दे देते हैं और हम उसे जमीन बेच कर भरते हैं और 3-4 बार ऐसे ही भर चुके हैं। संत सेवक भी हैं, कविता भी लिखते हैं, चौनप्रास भी बनाते हैं, लेकिन आज ईर्ष्या बस हमारे लड़के को चोट लगी थी 2014-15 साल पहले। और उस समय सुभाष डॉक्टर की यहाँ जौनपुर अस्पताल में उसका दवाई कराई गया, हड्डी वाला प्रॉब्लम ठीक हुई। बाद में 5 साल पहले से नस प्रॉब्लम हुई है, डॉक्टर दिखावा गया तो हमें बताएं डॉक्टर साहब इलाहाबाद के कि इससे इसका दिमाग भी कमजोर हो रहा है और गोड़ भी लुंज हो जाएगा, शॉर्ट स्टोर। अंत में उसको लोग बार बार पैसा देकर साहब ब्याज वाले पैसा दे देते हैं, जैसे 2 लाख दे देंगे तो डेढ़ साल में 3-4 लाख बना लेंगे, फिर 3 साल में 8 लाख बना लेंगे, 4.5 साल में 16 लाख बना लेंगे। जब हम पता पाते हैं तो इतना ब्याज बना लेते हैं तो जमीन बेच कर देते हैं किसी प्रकार। और वो लोग पर्च गए हैं, 3 बार जमीन बेच कर दिए, 2015 में 17 में फिर दे दिए हैं। अब आप कह और इस पर साहब ऐसा हो कि इस पर एक बार 2017 में SDM साहब CO साहब को बुलवाकर तहसीलदार साहब से कहे कि इसकी जान साधु आदमी है कैसे बचेगी, तो सब सलाह करके पत्रकार को बुलाकर दैनिक जागरण में निकलवाए कोई इसको पैसा ना दे, जो इसको पैसा देते हैं उसके जिम्मेदार वो होंगे, इसकी चल अचल संपत्ति से कोई मतलब नहीं। क्या नाम है उसका आपके बेटे? उसका नाम राम ललित मौर्य। जो गोड़ से भी विकलांग है उसका चेक कर लिया जाए, गोड़ से भी विकलांग है।